नरेंद्र मोदी जिसने आज आतंकवादियों के चने चबा दिए। चाइना जैसा कंट्री जिससे अमेरिका भी काम जाता है, इतनी बड़ी ताकत इस दुनिया की, हमारे सरहदों पे आके चाइनीज फौजियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पहली बार हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने, आपने टेलीविजन के अंदर बड़े बड़े अखबारों में देखा होगा, मार के जफ्फा पंजाबियों की तरह भगा के वो फेंक दिया, ये नरेंद्र मोदी ने किया। 56 इंच की छाती के ऊपर चर्चा बहुत होती है, मजाक बहुत उड़ाया जाता है, मैं फिर कहूं मेरा किसी से लेना देना नहीं। प्रथम भारत जो मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि का एक इंच हिस्सा कहीं जाने ना दे, उसके वो तो सलूट करना ही पड़ेगा, उसके आगे तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। कोई अपने विचार अपने अंदर रख सकता, मैं क्यों बोलता हूं, पर मेरे अंदर तो राष्ट्र पहले है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा लीडर, कोई नहीं, सबसे पहले भारत, जिसके लिए जीवन दिया है और आधा जिसके लिए देना है। और हम सब फिक्र में थे, आप भी तकलीफ में थे, क्या जंग होगी, जंग के हालात बन चुके थे, और चाइना के साथ जंग होगी तो जंग बहुत खतरनाक होगी। जंग कहना बहुत आसान है, जब बहनों के सुहाग उजड़ते हैं, लोग उजड़ते हैं, कश्मीर जम्मू के पास आके देखिए जिस तरीके से गोलाबारी होती है, उन लोगों को पूछिए वो कैसे रात दिन जीते हैं अपने बच्चों के साथ। पर नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया, ये 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। तो फिर पाकिस्तान कहां से आ गया, हमारे से हमले करने वाला, हमारे जवानों के सिर कटते थे, बहनों के सुहाग उजड़ते थे, बच्चे यतीम होते थे, और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत की बातें करते थे। नरेंद्र मोदी जी जब गए पाकिस्तान के अंदर, हम भी खिलाफ थे, वो नरेंद्र मोदी जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे, आज पाकिस्तान में कैसे चले गए, नवाज शरीफ के पास कैसे चले गए, दुबई से कैसे चले गए, हमने भी विरोध किया। पर मुझे नहीं पता, मैं ये सुरक्षा का जानकार हूं, कि जिंदा शहीद की तरह वो वापस कैसे आए, नहीं तो पाकिस्तान से आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, कोई नोटबंदी पे फंस जाते हैं, कोई नए बिल पे फंस जाते हैं, कोई कहेगा मेरा कारोबार बड़ा कमजोर हो गया, पर मातृभूमि के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। हमें क्या लेना है मातृभूमि से, हमें तो अपना रोजगार, कारोबार, पैसा चाहिए, मातृभूमि कहीं भी जाती रहे। पर वो मातृभूमि के लिए दुनिया को ये बता दिया, पूरी दुनिया को, कि हम महात्मा गांधी की सोच पे भी चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना पाकिस्तान में किसी का बहन का सुहाग उजड़े, बच्चा यतीम ना हो, ना हिंदुस्तान में किसी का बहन का सुहाग ना उजड़े, हम सब इकट्ठे मिलके रहे, ये पूरी दुनिया को बताया और दुनिया में निकले। और जब पाकिस्तान ने उसके बाद दीनानगर पठानकोट पे हमला किया, दुनिया में निकल करके बता दिया ये पाकिस्तान आतंकवादी देश है। और आज ट्रंप को कहना पड़ा, नए राष्ट्रपति को, कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है, और बराक ओबामा ने कहा था ये आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये हमें कामयाबी मिली है। तो पाकिस्तान तो हमारे लिए है ही कुछ नहीं, जब चाइना ने हाथ खड़े कर दिए।